यस बेटा, यही था हमारा क्वेश्चन। तो अरुण एंड वरुण आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। अरुण है एंड वरुण है, प्रॉफिट रेशियो क्या है इनकी? इक्वल, 1:1। फर्स्ट अप्रैल को अरुण ने कितनी कैपिटल लगाई बेटा? 4,80,000। और बी ने कितनी कैपिटल लगाई है? 5,40। 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड करा इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टेल मी, 10 लाख। वेट फॉर अ सेकंड बेटा। ऑन 1 अक्टूबर कैपिटल विल बी 5,05,000, टोटल इज 5,00,000। टेल मी वन थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 6%। और आपको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा? बस एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। IOC वी हैव टू कैलकुलेट, IOC वी हैव टू कैलकुलेट। ए ने 4,80,000 रुपीज लगाए, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? कितने मंथ तक लगे? अप्रैल टू अक्टूबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ तक। तो 6/12 जो भी आएगा इसको यहां लिख देना बेटा, ठीक है? इसका कितना पैसा लगा? 5,00,000। 6% और ये कब तक लगा? टिल 31st of March, 6 मंथ। तो जो टोटल आ जाएगा ये आपका अरुण का टोटल IOC आ जाएगा, समझ आती है बात? अरुण का टोटल IOC आ जाएगा। तो वरुण का कैसे निकालेंगे? 540 कितना परसेंट? 4, 6 मंथ। इसका 5,00,000 का कितना परसेंट? 4, 6 मंथ। तो ये टोटल कर लोगे, इसका टोटल कर दोगे, दोनों का टोटल करके किसका IOC आ जाएगा बेटा? वरुण। क्लियर करो बेटा, सॉल्व करो जल्दी से इसे। पहले वाले का ए का, हाँ 16, बी का 16,200, ओके। इसका यहाँ तक ये आ जाएगा आपका 15,000, ठीक है? और दूसरे वाले का आ जाएगा सेम 15,000। तो IOC टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 29,000।
4,00 और बी का कितना आ जाएगा 3,12,00। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन योर बुक इट इज इलस्ट्रेशन, ठीक है, ध्यान दो। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, क्लियर, विजिबल है ना। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो पार्टनर का नेम है बेटा ए, व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट हियर, देखिए बेटा ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, तो दो पार्टनर हैं ए एंड बी, अगेन देयर कैपिटल शो डेट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल, अगेन 1 अप्रैल को टेल मी ए की कैपिटल कितनी है बताइए, 4 लाख, एंड बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख। ऑन 1 अगस्त को क्या हुआ टेल मी, दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50 और 40, और कैपिटल लेके आ गए, इसकी कितनी थी पहले एक ही 4 लाख, और लेके आ गए तो कितनी हो जाएगी 4,50,000, बी की कितनी हो जाएगी 3,40,000, बी विड्रू 15,000 फ्रॉम इस कैपिटल ऑन मार्च 1 को उसने कितना पैसा विड्रॉ कर लिया टेल मी अपनी कैपिटल में से 15,000, बी ने, सिर्फ ए ने नहीं करा, तो बी ने विड्रॉ करा है कितना अमाउंट 15,000, तो बताओ इसका कितना बच जाएगा 3,25,000। अब हमें ए का आईओसी निकालना है और हमने बी का आईओसी निकालना है, अब ध्यान से देखेंगे मनन बेटा, इधर देखिए प्लीज, 4 लाख कैपिटल थी अप्रैल टू अगस्त इन्वेस्ट रही, अप्रैल मई जून जुलाई कितने मंथ बताइए, कैलकुलेट करो 4 मंथ, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 6%, 4 मंथ, इसने कितना लगाया 450, 6%, अब रिमेनिंग कितने बच गए टिल 31 मार्च तक इंटरेस्ट निकालना है, 1 मार्च को इसका तो चेंज हुआ नहीं, इसका तो पूरा यही लगा रहा, तो 450 इन्वेस्टेड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च, तो इट विल बी 8 मंथ, क्लियर, यस और नो। तो इसका निकाल देंगे बेटा अमाउंट, हम इसका अमाउंट निकाल देंगे, टोटल आ जाएगा आईओस। इन द सेम वे बी का निकालेंगे 3 लाख का कितना परसेंट 6% फॉर हाउ मनी मंथ, और फिर कितना हो गया इसका 340 कितना परसेंट 6%, कितने मंथ्स के लिए 7 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 मार्च को इसका चेंज हो गया, 1 मार्च को इसका अमाउंट कितना हो गया 325, तो 325 का 6% कितने मंथ्स के लिए 1 मंथ के लिए, ओनली 1 मंथ, क्योंकि 1 मार्च से 31 मार्च तक कितनी कैपिटल रही थी, जब ओनली 3,25,000,
देखो बेटा ध्यान से देखो हुआ क्या, 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी 3 लाख, फिर 1 अगस्त को कितनी होगी इसकी कैपिटल 340, और 1 मार्च को कितनी होगी, चलिए 1 मार्च को कितनी होगी 325। तो पहले जो इंटरेस्ट निकलेगा इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 3 लाख, 3 लाख का 6% कितने मंथ के लिए, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने। फिर 340 का कहाँ तक जाएगा, 1 मार्च तक, 7 मंथ तक आ, देन 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना। आई होप क्लियर हो गया होगा, पक्का, प्लीज नोट डाउन। यस और नो, क्वेश्चन नंबर 4,
शिव एंड हरी आर एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022, कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रुपए। शिव और हरी ने कितने रुपए लगाए हैं बताइए? 5 लाख एंड 2 लाख। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। उसने कुछ एडिशनल कैपिटल भी लगाई है बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है उनकी रेशियो कितनी है शिव और हरी की? 3:2। लास्ट में पढ़ो, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बेटा अगर आप दो अकाउंट बना लेते हो तो जर्नल एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जर्नल एंट्री सिर्फ लेजर पोस्टिंग से ही एंट्री बन जाती है। तो हम पहले बनाते हैं आपके लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। डेबिट क्रेडिट और कौन सा अकाउंट बोल रहा है आपके सामने? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो शिव हरी, शिव हरी, ठीक है बेटा। क्रेडिट साइड डेबिट साइड। शिव एंड हरी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म। व्हाट डू मीन बाय एंटर्ड? अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की एंट्री बताई थी आप लोगों को, कैश टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल। तो यू विल राइट बाय बैंक। कितनी कैपिटल लगाई है बताइए? 5 लाख। क्वेश्चन सामने दिख जाएगा बेटा आपको, एंड 2 लाख। क्लियर? हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया उसने कौन सी डेट को? 1 जुलाई को। तो एडिशनल कैपिटल लगाने की एंट्री भी क्या हो जाएगी बेटा? बैंक टू कैपिटल 1 लाख रुपये। सिर्फ हरी ने लगाया है, शिव ने नहीं लगाया। अगर आप आईओसी अब कैलकुलेट करते हैं तो बता सकते हैं आप आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन से देखो बेटा, वर्किंग नोट तैयार करते हैं हम नीचे, ठीक है। वर्किंग नोट्स नीचे बनाएंगे बच्चे। पहले पहले कौन था? शिव और हरी। 1 अप्रैल को इसकी कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। हरी की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो इसकी कैपिटल तो चेंज नहीं हुई शिव की, तो 5 लाख का कितना परसेंट टेल मी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 8%। क्वेश्चन ने बोला 8% है, पढ़ लो। शिव इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर है, लिखा हुआ है 8% पर है ना, ठीक है। 5 लाख का 8% विल बी 40,000। और हरी का उसने 2 लाख रुपीस पहले इनिशियली इन्वेस्ट करे बेटा, और उसके बाद कुछ पैसा और आए। 2 लाख रुपीस लगाए पहले, कैन यू टेल मी? 2 लाख रुपीस उसने लगाए कितने मंथ्स के लिए? पढ़ो ध्यान से। 3 मंथ्स। और उसके बाद 1 लाख और आते ही कितना हो जाएगा टोटल पैसा? 3 लाख का 8% फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो कैलकुलेट करो हरी का टोटल पैसा कितना है फॉर 3 मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इट विल बी योर टोटल आईयूसी। प्लीज कैलकुलेट। बता रहा हूं बेटा, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है हरी ने टोटल 1 अप्रैल को कितनी कैपिटल लगाई थी बताओ? 2 लाख। और उसके बाद उसने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई कौन सी डेट पे? 1 जुलाई। तो 3 मंथ्स के लिए कितना पैसा इन्वेस्टेड रहा? 2 लाख। उसके बाद उसका पैसा कितना हो गया 1 जुलाई से? टेल मी, 1 जुलाई से जो उसकी कैपिटल होगी बेटा, डेट इज 3 लाख रुपीज होगी। तो हमने वही चेंजेस करे बेटा आपके सामने, पहले 2 लाख का 3 मंथ्स के लिए, फिर 3 लाख का कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स। कैलकुलेट करो कितना कितना आ जाएगा। फोर्टी तो एस का लिख दिया शिव का, हरी का टोटल कितना आ रहा है?
टोटल बता दो कैलकुलेट करके। कितना आ रहा है? 22,000। अब बेटा ध्यान से क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे हम। पहले आईओसी इसलिए कैलकुलेट कराया क्योंकि आपको अभी आईओसी कैलकुलेट कराना सिखा दिया, ठीक है? अब एक बार क्वेश्चन वापस ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट लाइन पढ़ो। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज रुपीज 1,96,000। प्रॉफिट कितना आया जो पी एंड एल अकाउंट से आया बेटा? टेल मी। 1,96,000। इसमें से क्या क्या पे होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या पे होगा? सैलरी, क्या पे होगा? कमीशन। अब चेक करो ऊपर क्या क्या गिवन। शिव और हरि को हमने क्या देनी है? सैलरी 5,000 रुपीज पर क्वार्टर। तो पूरे साल की कितनी बनेगी बताओ? शिव की सैलरी 5,000 रुपीज पर क्वार्टर हुआ। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 5,000 इंटू 4 कितना बनेगा? 20। और हरी की भी कितनी बनेगी बेटा? 20, ठीक है? ये सैलरी है, सॉरी इसको हमने क्या लिख दिया? इंटरेस्ट लिख दिया यहाँ पर, इसको हम इरेज कर देते हैं। इट इज योर सैलरी पार्ट। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी हो गई और इट इज यूर नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना आया था? शिव का कितना आया था बेटा बताओ? अभी आपने कैलकुलेट करा था। और हरी का कितना आया था? 22,000। तो अब आपके पास दोनों की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? अब आप देखो जो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा होता है सैलरी, वो पार्टनर्स के लिए क्या होती है? तो लिख दें यहाँ पर सैलरी इसको कितनी मिलेगी? 20। इसको भी कितनी मिलेगी? 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा बेटा? 40 और 20। तो यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब क्वेश्चन ने बोला था ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 10,000। तो यहाँ लिख देंगे बेटा आप ड्राइंग, ड्राइंग करने से पैसा कम होता है, 12,000 एंड 10,000। क्लियर? इसके ऊपर क्या होगा बेटा? क्या माइनस हो जाएगा? आईओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा ध्यान से देखो बेटा। कैपिटल के लिए तो उन्होंने डेट गिवन थी कि कब कब पैसा लगाया। 1 अप्रैल को लगाया, फिर कब लगाया? 1 जुलाई को लगाया। तो अकॉर्डिंगली हमने क्या प्रोवाइड करा बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या ड्रॉइंग की कोई डेट गिवन है? पढ़ो। नहीं, नहीं गिवन। तो एक नोट लिखेंगे बेटा, व्हेन then lump sum amount of drawing is given, when lump sum lump lump sum amount of drawing is given and date is not given, and PA and per annum PA is given with rate, and PA is given with rate, we will charge interest on drawing, we will charge interest on drawing for 6 months only. देखो बेटा जब आपको कोई रेट गिवन नहीं होगा, सॉरी कोई डेट गिवन नहीं होगी,
में कोई डेट गिवन है कि देखो कब पैसा निकाला है शिव और हरी ने? कोई डेट गिवन नहीं है, आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। अगर डेट गिवन नहीं है, लमसम अमाउंट गिवन है, लमसम मतलब पैसा दे रखा है सिर्फ 12,000 और 10,000 विड्रॉ कर लिए एक ही साथ एक ही बार में, लमसम गिवन है कि 12,000 और 10,000 रुपए निकाले 12,000 10,000, कोई डेट गिवन नहीं है। तो एक बात बताइए, अगर आप पार्टनर्स हैं तो आपको आईओडी अब पे करना है तो आप पूरे साल का पे कर देंगे? आईओसी तो आप किसके हिसाब से ले रहे हैं, फर्म से डेट के हिसाब से, और आईओडी पूरे साल का दे दोगे? तो आईओडी अगर डेट पता नहीं होती कब ड्रॉइंग करी है आपने, तो हम 50-50 मानते हैं। तो कितने मंथ का चार्ज होगा उनकी? 6 मंथ। जब आप आईओडी निकालेंगे 12,000 का रेट कितना दे रखा है बताओ? 10%। आईओडी का रेट कितना बेटा? 10%। तो 12,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1200। आधा कर दो 6 मंथ का 600। 10,000 का 10% 1,000, आधा कर दो कितना? 500। आईओडी यहाँ तो बेटा कैपिटल कम कर देगा, लेकिन आईओडी किसकी इनकम होती है? फर्म की। तो यहाँ लिख देंगे शिव हरी 600 500, टोटल कितना आ जाएगा? 1100। 197100 में से माइनस कर दो सारे खर्चे, कितना बचेगा बताओ? 197100 में से माइनस कर दो आप ये पूरा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 95100। कितनी बचेगी? 95100। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कौन सी रेशो में? 3:2 में, शिव और हरी में 3:2 में बांट दोगे, और यहाँ लिखोगे ये पैसा 95,100 ट्रांसफर हो जाएगा इधर बाय पीएनडल अप्रोप्रिएशन के नाम से, क्योंकि एंट्री क्या हो रही है? पीएनडल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू शिव टू हरी, कैपिटल की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। तो 3:2 में बांटोगे तो कितनी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 57060 और बेटा 38040। डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता होगा आपको, यस और नो? नहीं आता तो बता देते हैं। 95,100 है, 3:2 में कैसे बांटेंगे? इंटू 3/5। 95,100 है इंटू 2/5, क्लियर? तो बेटा टोटल कर देना इसको, उसके बाद ये माइनस कर देना डेबिट साइड, क्या बच जाएगा आपके पास? बैलेंस कैरी डाउन। एक बार पढ़ो ध्यान से और करना स्टार्ट करो बेटा क्वेश्चन को। चलिए टाइम लगेगा, देखो स्टार्ट हुआ है अभी, घर पे प्रैक्टिस करोगे, ऐप में से वापस पढ़ोगे, काफी कुछ समझ आएगा, ठीक है? बेनिफिट आपको आराम से हो जाएगा बेटा। क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट में से माइनस कर देना, आपका बैलेंस बच जाएगा। टोटल आ रहा है 617060, इसका टोटल आ रहा है 380040, उसमें से डेबिट साइड को माइनस कर दोगे तो यहां पर भी ग्रैंड टोटल सेम ही लिखोगे आप। से माइनस करके आप बैलेंस निकाल दो, कर लीजिए जल्दी से इसको कंप्लीट। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, अब इसको नोट डाउन कर दो।